जय श्री श्याम भक्तों, आज एक और सत्य घटना को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। यह घटना है हिसार के एक श्याम प्रेमी भक्तराज काशीराम जी की। भगवान श्री खाटू वाले श्याम जी महाराज से उनका एक अपना मीठा रिश्ता था और वो ड्यूटी करते थे हिसार के अंदर एक वाटर वर्क्स के अंदर। पानी सबके लिए कितना ज़रूरी है इसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो एक महती उनको जिम्मेवारी थी रोजाना पानी सप्लाई की। यदि एक दिन पानी सप्लाई ना हो तो भी पूरे उस जोन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत आ जाती थी। एक बार क्या हुआ, वह श्याम प्रेम के वश होकर के एकादशी के दिन खाटू नगरी आते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। लेकिन संध्या काल में भगवान की आरती वगैरह करने के बाद जब वो विश्राम कर रहे थे तो सहसा उन्हें स्मरण आया कि वाटर बक्स की चाबियां तो उनके साथ ही आ गई है। अब वो चिंता से मग्न हो गए कि अब क्या होगा, कल सुबह यदि वाटर सप्लाई नहीं हुई तो उनकी नौकरी तक परांच आ सकती है। परंतु अब वहां से कुछ भी करके वह सही समय पर हिसार नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसा बार बार उनके मन में विचार आ रहा था। और वही काम उन्होंने किया जो एक आम सामान्य से लेकर विशेष भक्त जो करते हैं कि जब भी आवश्यकता हो तो अपने प्रभु को याद करो। उन्होंने श्याम प्रभु को याद किया है, भगवान के ध्यान में मग्न हुए, कीर्तन किया, प्रभु से पुकार की है, श्याम जी महाराज अब तो लाज आपके हाथ में है, किसी भी प्रकार से मैं अपने यत्न से तो इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा, अब आप ही मेरे लाज बचाइए, अधिकारियों से मैं कैसे बात करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, मुझे वो शक्ति बल सब चीज़ें प्रदान कीजिए। अपने प्रभु से अपनी भाषा के अंदर उन्होंने प्रार्थना की है और श्री कृष्ण गीता में जैसे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तेषां भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार मेरा अर्जुन स्मरण करता है मैं ठीक उसी प्रकार से उसको भजता हूँ, वही चरितार्थ किया है श्री श्याम जी महाराज ने। और इस चरित्र का उन्हें पता कब चला, जब दूसरे दिन वो भागे भागे गए और अपने ऑफिस आकर के अपने अधिकारियों से उन्होंने क्षमा मांगी है कि मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया, किसी भी प्रकार से मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। अधिकारी हंसते हुए कहते हैं, क्यों मजाक कर रहे हो जी, पानी तो कल आपने ही छोड़ा था। अब ऐसी घटना जब घटित होती है, आपका काम आपका श्याम करके चला गया, ऐसे भक्तों की जो कहानियां है ना, हृदय को भाव से भर देती है। आज भी इन बातों को स्मरण करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान ने अपना कथन सत्य कर दिखाया, जो जैसे मुझे बजता है। वो बजने के लिए गए थे खाटू धाम और वो उनका काम करने के लिए पहुंच गए उनके कर्म के धाम। श्याम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री श्याम।